श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यस जो दायक फल चारु बूतहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सुखधाम प्रभो पद पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए पद पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए मन की मल को धोने के लिए मन की मल को धोने के लिए सत्संग में आना भूल गए स्वारथ में परमारथ भूले कुछ कहे न सके कुछ बन न सके अरे स्वार्थ में परमार्थ भूले कुछ कह न सके कुछ बन न सके उठ तो को गिराना सीख लिया उठ तो को गिराना सीख लिया गिर तो को उठाना भूल गए बोलिए सियावर रामचंद्र की बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की बोलिए अयोध्या धाम की। हां महावीरा कैसेट के सुनने वाले श्रोता बंधुओं आप लोगों की विशेष मांग पर सन 2020 में 2 जनवरी को हम ये कृष्ण जन्म की पावन कथा आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ ये कंस कौन था कंस ने देवकी के बच्चों को क्यों मारा ये बच्चे कौन थे और बलराम जी जो बड़े बनकर आ रहे हैं भगवान कृष्ण का और बलराम का पिछले जन्म का क्या रिश्ता है ये समस्त कथाएं आज महावीरा कैसेट के माध्यम से श्रोता बंधुओं हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आज की कथा में ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे भैया रूपलाल जी
और आर्गन पर हमारा साथ दे रहे हैं भैया राजेश, और ऑटो पैड पर हमारा साथ दे रहे हैं अश्वनी मिश्रा जी, और ये कार्यक्रम महावीरा कैसेट पलिया कला के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके निर्माता हैं स्वयं नवीन कुमार मिश्रा और जिसके रिकॉर्डिस्ट हैं हमारे भैया अश्वनी मिश्रा जी। और ये महावीरा कैसेट हमारे समस्त भारत के गायक और गायिकाओं के लिए, भजन गायक, गजल गायक, रामायण कथा गायक, भागवत कथा गायक और गायिकाओं का स्वागत करता है। आप सभी का अभिनंदन है। समस्त भारतवर्ष के अंदर जिसके अंदर भी संगीत की प्रतिभाएं हैं, जगह जगह पर हमारी हर कथा में मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप उन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपनी प्रतिभा को पूरे विश्व में फैला सकते हैं। यही हमारा आप सभी के लिए सहयोग है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। तो आइए कथा आरंभ करें। उससे पहले कथा का नियम है, देखो भैया अब कैसेट का युग नहीं रह गया, अब यूट्यूब का जमाना है, कम समय में ज्यादा श्रोताओं को सुनाना पड़ता है। तो आइए शुरुआत का नियम है, भगवान का भजन करना चाहिए फिर कथा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए बस एक मिनट राम नाम, उसके बाद सीधे आपको कथा की तरफ ले चलते हैं। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। झोपड़ी में बास दे, महलो मेरा के चाहे झोपड़ी में बास दे, महलो मेरा के चाहे झोपड़ी में बास दे, महलो मेरा के चाहे बेचड़ी में दास दे। विधि का विधान के हो, विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, 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 सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बोलिए हनुमंत लाल की। आइए श्रोताओ चलते हैं कथा की ओर। आप सभी ने कई विद्वानों के माध्यम से सुना होगा, यमुना नदी के किनारे एक बड़ी सुंदर नगरी है जिसका नाम है मथुरा, और यहां के राजा कौन है, महाराज उग्रसेन।
और उग्रसेन के राज्य में प्रजा कितनी संतुष्ट है ये तो इन्हीं बातों से आप अनुभव कर सकते हैं कि उनके राज्य में लोग कहावत किया करते थे कि भाई उनके उग्रसेन महाराज के राज्य में शेर और बकरी जबकि दोनों विरोधी हैं लेकिन वो भी एक ही घाट पर निश्चिंत होकर जल पिया करते थे। अब अनुमान लगाइए उनका शासन कितना बढ़िया होगा। बड़े धार्मिक प्रकृति के महाराज हैं, भक्ति भाव है, नियम संयम है, लेकिन ये भैया उस परमात्मा का बड़ा अजीब विधान है। ऐसे महाराज के यहां एक बड़ा तुष्ट पुत्र पैदा हो गया। भगवान का भी बड़ा अजीब विधान है। गुलाब का फूल कितना कोमल है, कितना सुकुमार है, हाथ लगाते ही बिखर जाता है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका साथ कहां दे दिया, कांटों के ऊपर। कहे कबीर कैसे निभे केर बेर को संग, और वे डोलत रस आपने उनके फाटते अंग। महाराज द्रुमलिक की महारानी का नाम है, महाराज उग्रसेन की महारानी का नाम है पवन रेखा, और पवन रेखा एक द्रुमलिक नामक राक्षस जो महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके आता है उसके माध्यम से एक राक्षसीय प्रवृत्ति की संतान पैदा होती है महाराज उग्रसेन के यहां, और उसका नाम क्या है, कंस। हे भैया, विष्णु पुराण के अंदर आया है कि कंस का केवल एक ही नाम नहीं था, कंस के चार नाम थे, कंस, भोजदत्त, भोजनंदन और कालनेमी। ये विष्णु पुराण के अंदर बताया गया है कंस के चार नाम थे, कंस, भोजदत्त, कालनेमी और भोजनंदन। और कंस कितना दुष्ट था, देखिए दुष्ट आदमी कितना भी अपने आप को छिपाए उसकी दुष्टता छिपती नहीं है। कंस कितना दुष्ट है, इतना नृशंस अनुदार हुआ, अरे इतना नृशंस अनुदार हुआ। ए, अरे जिस धरती पर जन्माया कर, जिस धरती पर जन्माया कर उस धरती ही को भार हुआ। धरती माता की गोद में आकर जन्म लेता है। लोग कहते हैं ना, सनातन धर्म में आया है कि हमारी आपकी कोई एक ही माता नहीं है, हमारी आपकी कई माताएं हैं। नंबर एक, जननी जन्म भूमसी स्वर्गा अदीप गरियसी, जिस मां के गर्भ से हम और आप जन्म लेते हैं नंबर एक तो वो माता होती है। मां के अलावा जो अपने स्तनों का पान करा के हमें हष्टपुष्ट बनाती है वह है गौ माता। तीसरी मां है जिसको प्राप्त करके हमारे अंदर ज्ञान आता है, विद्या माता। और चौथी माता होती है श्रोताओं, गंगा माता, जिसमें हम जीवन भर पाप करते हैं लेकिन एक बार उसमें समर्पित होने के बाद, स्नान करने के बाद हमारी माता हमारे समस्त कष्टों का निवारण करती है, पापों को दूर करती है। लेकिन कष्टों इतना अत्याचारी है, इतना दुराचारी है कि जिस धरती पर आकर जन्म लेता है, जिस माता की गोद में, उस माता को भी खलने लगा, वो भी मन में विचार करती है जल्दी से इसका खात्मा हो जाए। कंस की एक कमजोरी थी, कंस को और तो कोई प्यारा नहीं था लेकिन उसकी एक चचेरी बहन थी देवकी,
महाराज उग्रसेन के एक देवक नामक भाई थे, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन देवकी को बड़ा प्यार करता है, बड़ा प्यार, कितना प्यार, राजकुमार होते हुए भी अपनी बहन को ससुराल तक पहुंचाने के लिए आज रथ को अपने आप चला रहा है, अपने आप, और रथ को चलाता हुआ जा रहा है बड़ा मगन होकर। लेकिन भैया, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता, होनी कोई नहीं टाल सकता। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी, अरे कंस इस देव की काही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू इतना प्यार दुलार स्नेह से उसके ससुराल तक पहुंचाने जा रहा है, क्या तुझको मालूम है उसी का आठवां पुत्र तेरा काल बनेगा, तेरी मौत का कारण बनेगा। बताओ, जो मगन होकर जा रहा था अपनी बहन को छोड़ने के लिए ससुराल, आग लग गई, क्रोध में भभक उठा, क्या करता है भैया रूपलाल, अरे खींचा रथ से बहन को केस पकड़ तत्काल। खींचा रथ से बहन को केस पकड़ तत्काल, और आया खंग निकाल कर भैया छाती पर चांडाल। ये बहन के बालों को पकड़कर रथ के नीचे खींच लेता है, तलवार निकाल कर आ जाता है। आज वो नवविवाहिता नौकुल वधु भौचक्की होकर कांपी, और भारत की नारी जब जब कांपी तब तब माता पृथ्वी पहले कांपी, घबरा गई, व्याकुल हो गई, क्या हो गया, क्या हो गया, बस क्या अब क्या, चिल्लाहट से गरमाया मुखमंडल सारा। अरे भैया भैया कहते कहते भीगा सुहाग अंचल सारा। ए भैया, ए मेरे भैया, क्या हो गया, अरे अभी तो तुम हमको प्रेम से छोड़ने हमारी ससुराल तक जा रहे थे। देवकी के पति बसदेव जी आए, क्या हो गया, क्या हो गया भैया, अरे इतना आपे में क्यों हो, आज कंस इतना क्रोध में का, ए बहनोई जी भाग जाओ, वरना जानते हो आज इतिहास बदल जाएगा। आज तक नियम था पत्नियां अपने पति पर सती सती हुआ करती थी, लेकिन आज मेरे क्रोध के अगर आगे आ गए तो मैं तुमको देवकी पर सत्ता करूंगा, सत्ता कर दूंगा, मेरे प्यारे गुलारे गुस्से से नहीं बच पाओगे। आज जब कुछ गुस्सा ठंडा हुआ तब बसदेव जी कहने लगे, भाई क्या बात है, अरे क्या है, लेकिन आज कंस बड़े क्रोध में लेकर तलवार और बढ़ा कि लाओ अपने बहनोई का सर काट दो। देवकी ने देखा आज भैया मेरे पति का सर काट देंगे, दौड़ी दौड़ी गई अपने भैया कंस के चरण पकड़ लेती है, क्या कर रहे हो भैया, अरे किनको मारने जा रहे हो,
जिनके नाम से मैंने अपनी मांग में सिंदूर भरा है, माथे पर बेंदी लगाई है, और आज जब उन्हीं को मार डालोगे तो इनसे पहले मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, क्या कहती है? कैसी बेंदी कैसा सिंदूर, श्रृंगार कहाँ का साज कहाँ, कैसा सिंदूर श्रृंगार कहाँ का साज कहाँ। ये भैया, अरे पति देव के जब प्राणों पर हो, अरे तो फिर पत्नी को लाज कहाँ, बड़ भागिन है जो पति के आगे मरती है। ये भैया, संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं और वो भव सागर से करती है, अरे बोली हो संहार न कर, दासी का शीश काट पहले। ये भैया, अरे ओ खंग बहुत जो भूखी है, तो मेरा रक्त चाट पहले, तलवार अगर तुझे मेरे पति के प्राणों से ही अपनी प्यास बुझानी है तो मेरे प्राण ले लो भैया, इन्हें ना मारो। जब कंस का कुछ क्रोध शांत हुआ तो बसदेव जी ने पूछा, ये भाई कंस, एक बात बताओ, आखिर वजह क्या है? आप हम पर इतना क्यों नाराज हो रहे हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कहा, सुनिए बसदेव जी, बहनोई जी, हमारे कानों में यह आकाशवाणी हुई है कि यह कंस जिस बहन देवकी को तू इतना लाड़ प्यार दुलार से उसकी ससुराल तक पहुंचाने जा रहा है, उसी बहन देवकी का आठवां बेटा तेरी मौत का कारण बनेगा। अरे मैं ऐसा वृक्ष क्यों लगाऊं जिसके फल खाने से मेरी ही मृत्यु हो जाए? मैं ऐसी बहन को जीवित क्यों रखूं जिसके आठवें बच्चे से मेरी मृत्यु हो जाए? इसलिए ना मैं देवकी को जिंदा रखूंगा, ना इसके बच्चे उत्पन्न होंगे और ना मेरा काल पैदा होगा। चतुर बसदेव ने कहा, बस इतनी सी बात है? अरे इसका निवारण हम कर देते हैं। तुमको हमारे आठवें बच्चे से डर है? आठवां बच्चा हम आपको दे देंगे, इसे खत्म कर देना। अरे आठवां ही क्यों, हम तुम्हें आठों बच्चों दे देंगे, तुम उन्हें मार देना, समस्या समाप्त हो जाएगी। कंस ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन सुनो, हमारी एक शर्त है।
जब तक देवकी के आठों बच्चे उत्पन्न नहीं हो जाते तब तक तुमको हमारी मथुरा की कैद में रहना पड़ेगा, मथुरा की जेल में रहना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? मजबूरी है, मंजूर है भैया। वाह, समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो देवकी बिचारी अरमान भरी अपनी ससुराल में जा रही थी, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का क्या होता है। जिन हाथों में कंगना बांधा, अरे जिन हाथों में कंगना बांधा हथकड़ियां उनमें डलवाई। और श्रोता बंधु, जो हाथ रंगे थे मेहंदी से, जो हाथ रंगे थे मेहंदी से, बेड़िया तो उनमें डलवाई। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर आज मथुरा की जेल में उन तपस्वी जीवों को, बसदेव और देवकी को भैया कैद में डाल दिया गया। आज उस दुष्ट ने अपने पिता महाराज उग्रसेन का भी ख्याल नहीं किया, उनको भी उठाकर जेल में डलवाकर खुद मथुरा का राजा बन गया, खुद मथुरा का राजा बन गया। जिस समय बूढ़े बाप के ऊपर वो पहरा बैठा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने पर मुक्का मारा हो, मुक्का। श्रोताओं एक बात बता दें आपको, जीवन में दो चीजें बड़ा अजीब है, जानते हो कौन कौन? समय किसी का इंतजार नहीं करता भैया रूपलाल, समय अपनी गति से चलता रहता है, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए श्रोताओं अपने समय का बड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो समय गुजर जाता है जीवन में फिर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आता। और नंबर दो, कितना भी दौड़ो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, भाग्य से ज्यादा कभी कुछ प्राप्त नहीं होता, भाग्य से ज्यादा कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। समय अपनी गति से चलता रहा, चलता रहा, और जानते हो कौन सा समय आ गया? इधर कंस हो रहा था दिन पर दिन बिकराल, और उधर देवकी के हुआ पहला पैदाल। उधर देवकी के कैद के अंदर पहला बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा। कंस ने कहा लाओ देवकी, ये अपना पहला बच्चा लाओ, हम महाराज कंस को वचन दे चुके हैं, हम ये तुम्हारा नया खिला हुआ पुष्प फूल कुसुम, इसको कंस रूपी ज्वाला के अंदर झुलसा आए, मारने के लिए दे आए। उस ममता भरी मां ने अपनी गोद से बालक बढ़ाया पति बसदेव की तरफ, फिर मोह ने घेर लिया, फिर हाथ पीछे कर लिया, और जानते हो क्या कहने लगे? ले जाओ पर ठहरो, सोचो सोचो कि क्या ये मनुष्यता है।
की क्या ये मनुष्यता है। पशुओं में और पक्षियों में होती बच्चे की ममता है। हमारे हृदयों की अपने जीने को देते हैं आहुति हम अपने बच्चों की। स्वामी ले जाओ पर ठहरो, सोचो, विचार करो, क्या ये मनुष्यता है। अरे पशुओं में और पक्षियों में भी अपने बच्चे के लिए ममता होती है। आने वाला इतिहास हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम कैसे माँ बाप थे जिन्होंने अपने जीने के लिए स्वार्थवश अपने बच्चों का बलिदान करा दिया। पागलों के समान रोने लगे बसदेव, पागलों के समान, बसदेव की बस, हम आर्य हैं, आर्य हम भारतवासी हैं, हम अपने प्राणों को दे देंगे लेकिन अपना दिया हुआ वचन नहीं छोड़ेंगे। देवकी रोती रही। बसदेव उस बच्चे को लेकर महाराज कंस के पास जाते हैं। कंस ने दया भाव से कहा, भाई पहला बच्चा ले जाओ, आठवां हमको दे देना। लेकिन उसी समय नारद जी ने आकर कंस को ऐसा घुमाया, हे महाराज कंस, ये देवकी का बच्चा है, गर्भ चक्र का बच्चा है। अरे जब इस गोल चक्र में कोई भी रेखा पहली, कोई भी आठवीं हो सकती है, तो देवकी के गर्भ में कोई भी बच्चा पहला, कोई भी आठवां हो सकता है। क्या पता ये आठवां ही पहला बनकर आया हो तुमको धोखा देने के लिए। जच गई खोपड़ी में जब तो ताव कहां थी क्रोधी में, माता की गोदी का बच्चा पटका पृथ्वी की गोदी में उठाया। देवकी के उस गोद के लाल को उस दुष्ट कंस ने माता पृथ्वी की गोद में पटक दिया, उसे मार डाला। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। रोते हुए बसदेव आ गए। नारद जी ने आकर उनको समझाया, ज्ञान दिया, कुछ शांति मिली। समय गुजरता गया। देवकी बहना का दुर्भाग्य बढ़ता गया। कहां तक सीमा कहां तक पहुंच गई। एक एक करके हुई और छह संतान समाप्त। एक एक करके देवकी के छह बच्चों को आज उस दुष्ट पापी अधर्मी कंस ने समाप्त कर दिया। जानते हो श्रोताओ, कंस जिन बच्चों को मार रहा है ये बच्चे कौन हैं? ये कंस के ही बच्चे हैं। ये पुरानी गाथा है, विष्णु पुराण में कथा आती है। पिछले जन्म में कंस का नाम था कालनेमी और कालनेमी के छह बच्चे थे और ये कालनेमी हिरण्यकश्यप का भाई था और हिरण्यकश्यप के घर में भगवान का परम भक्त पैदा हो चुका है। जरा विचार देखो, पिता भगवान का कट्टर विरोधी है, राम नाम कोई बोल नहीं सकता, मेरे राज्य में परमात्मा मुझको समझो हैं? लेकिन उसका पुत्र भगवान का परम भक्त प्रहलाद पैदा हुआ।
और प्रहलाद के साथ काल नेमी के 6 बच्चे भी जानते हो रात दिन जपा करते हैं क्या? आप लोग भी जप लो, राम कहो राम कहो राम कहो भाई रे, 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 हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा अगर तुम मेरे भाई के बच्चे ना होते तो मैं तुमको अवश्य मार देता, अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो हमारे भाइयों के बीच में बैर भाव आएगा, लेकिन जाओ हम तुमको श्राप दे रहे हैं, जिस प्रकार हमारा बच्चा सताया जा रहा है परेशान हो रहा है तुम भी उसी प्रकार अपने पिता के हाथों ही मारे जाओगे, ये मेरा श्राप है। और आज उसी श्रापवश वही भाई कालनेमी जब दूसरे जन्म में द्वापर युग में कंस बनता है, ए भैया आज एक एक करके देवकी के गर्भ से वो बच्चे जन्म ले रहे हैं और अपने पिता कालनेमी यानी कंस के द्वारा मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। समय गुजरा, क्या हुआ? एक एक करके हुई जब संतान समाप्त, एक एक करके हुई 6 संतान समाप्त, तब आए सिर से सजी समय हुआ जब पास, एक एक करके हुई और 6 संतान समाप्त, तब आए श्री शेष जी समय हुआ जब पास। क्या? अरे त्रेतावतार का लघु भ्राता, त्रेतावतार का लघु भ्राता इस बार बड़ा बन कर आया, इसलिए न जग में राम रहा बलराम जगत में कहलाया, इसलिए न जग में राम रहा बलराम जगत में कहलाया, त्रेतावतार का लघु भ्राता इस बार बड़ा बन कर आया, कि त्रेता मां लक्ष्मण बनियाए और द्वापर मां बलराम कहाए, देवकी के 7वें गर्भ में श्रोता बंधुओं कौन आ रहा है? महावीरा कैसेट के सुनने वाले हमारे श्रोता बंधुओं, बलराम जी आ रहे हैं, शेष जी आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु जब जब जन्म लेते हैं तो अपने साथ में शेष जी को जरूर रखते हैं। इस बार भी शेष जी से कहा कि चलो भाई साथ में चलो, द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम बनकर चलना है,
शेष ने कहा प्रभु हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा आप जब भी जाते हो हमको छोटा बनाते हो, आप बड़े बन जाते हो, आपकी सेवा हाँ हजूरी करते हमारा भैया दिमाग खराब हो जाता है। हम जाएंगे तो बड़े बनकर जाएंगे, आप छोटे बनकर चलिए। भगवान मुस्कुराए, ठीक है भैया चलो, हम छोटे बन जाएंगे, तुम बड़े बन जाओ। और एक भाव बड़ा सुंदर है कि त्रेता युग के जो लक्ष्मण भैया हैं छोटे, वो द्वापर युग में बड़े भैया बलराम बनकर क्यों आ रहे हैं? आइए आपको थोड़ा सा पुरानी कथा की तरफ ले चलूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, हमारे जितने भी श्रोता बंधु हमारी कथा सुन रहे हैं, अब वो समय नहीं रह गया जब कैसेट कंपनियां कलाकारों को धन दिया करती थी, अब तो धन लेती हैं। ए, अब जानते हो हम आपकी सेवा निस्वार्थ करते हैं कि हमारी चर्चा, हमारी कथा हमारे श्रोता बंधुओं तक पहुंचती रहे, तो इसलिए आपको अगर हमारी कथा अच्छी लगे, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? ये हमको जब ही मालूम पड़ेगा जब आपकी सदस्यता हमको पता लगेगी, यानी आप जितनी सदस्यता हमारे पास पहुंचाएंगे हमको उससे लगेगा हमारे श्रोता बंधु हमारे पास। तो याद रखिए, आपको कथा सुननी है और हमारी कथा में आपको अपनी सदस्यता ग्रहण करनी है, और इतनी निस्वार्थ मेहनत करने के बाद यह हक तो हमारा बनता ही है। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो आओ श्रोता बंधुओं, चलते हैं थोड़ा पिछली कथा की तरफ, फिर आपको यहीं लाएंगे और भगवान कृष्ण का जन्म कराने के बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। त्रेता मां लक्ष्मण बनी आए, त्रेता मां लक्ष्मण बनी आए, द्वापर मां जहो द्वापर मां बलराम कहाए, त्रेता मां लक्ष्मण बन आए और द्वापर मां बलराम कहाए। जो त्रेता युग के छोटे भैया लक्ष्मण हैं, वो द्वापर युग में बड़े भैया बलराम बनकर आ रहे हैं। और श्रोता बंधुओं बता दें आपको, कभी भी अपने मन में ये ख्याल मत करना ये तुम्हारी भावना है, अपने घर में कुछ भी खिचड़ी पका लो, लेकिन इतिहास गवाह है, राम है सो श्याम है, श्याम है सो राम है, और राम ही से श्याम, श्याम श्याम ही से राम है। भगवान राम और श्याम में कोई अंतर नहीं, तुम अपने घर में अंतर समझो, अपना अपना झंडा अलग बनाओ, लेकिन परमात्मा एक है, राम है सो श्याम है। राम के नाम में भी दो अक्षर, श्याम के नाम में भी दो अक्षर। आप जानते हैं व्याकरण भाषा के अंदर आधे अक्षर का महत्व तो नहीं समझा जाता। राम के भी तीन माताएं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, भगवान कृष्ण के भी तीन माताएं यशोदा रोहिणी देवकी, तीनों माताओं के नाम, कौशल्या का नाम भैया तीन अक्षर, कैकेयी तीन अक्षर, सुमित्रा तीन अक्षर, इधर भी देवकी का नाम तीन अक्षर, यशोदा का नाम तीन अक्षर, रोहिणी का नाम तीन अक्षर। ए श्रोता बंधुओ, राम है सो श्याम है, और श्याम है सो राम है, और राम ही से श्याम, श्याम श्याम ही से राम है। इसीलिए कहा है त्रेता मां लक्ष्मण बनी आए, लक्ष्मण बनियाए, द्वापर मां बलराम कहाए, ए
भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका है, एक दिन प्रभु राम का दरबार लगा है, अत्रि मुनि का आगमन दरबार में होता है। जय हो। प्रभु राम ने चंदन वंदन अभिनंदन किया, आओ मुनिवर आओ, आदेश करिए कैसे आ गए। मुनिवर बोले, महाराज राम बहुत दिनों से अभिलाषा थी तुमसे मिलने की और एक बात बताने की। शायद तुम्हारे मन में यह भाव होगा कि तुमने 14 वर्षों में बड़ा त्याग किया है, लेकिन हे राम आज मैं तुमको जाते जाते बता जाऊं, त्याग के मामले में जितना त्याग तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण ने किया है उतना त्याग न तुमने किया न सीता ने किया। राम ने कहा, हे मुनिवर, हे भगवान, ऐसी क्या विशेष बात हो गई जो आप ऐसी बात कह रहे हो। कहा, हां राम, तुमने और सीता ने 14 वर्षों तक कंदमूल फल खा करके अपना समय बिताया है, लेकिन जानते हो लक्ष्मण ने तुम्हारे साथ 14 वर्षों तक भूखे रहकर अपना समय बिताया। कहा, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है, लक्ष्मण ही कंदमूल के फल लाता था, लक्ष्मण ही उनके तीन हिस्से लगाता था, एक हिस्सा मैं, एक जानकी और एक लक्ष्मण स्वयं लेता था। कहा, ऐसा नहीं है, पूछो लक्ष्मण से। प्रभु ने कहा, क्यों लक्ष्मण, क्या ये सत्य है। कहा, हां भैया ये सत्य है। तो कहा, एक बात बताओ, झूठ बोल रहे हो, अगर तुम फल खाते नहीं थे तो रोज जो फल लाते थे अपना हिस्सा रखते थे वो क्या करते थे। कहा, भैया उनको सुखा करके अयोध्या की गुफा में भेज दिया करता था। कहा, लाओ दिखाओ कहां है सूखे हुए फल। लाए गए, उनकी गणना की गई। ये स्कंद पुराण में आपको कथा प्राप्त होगी, गिनती लगाई गई, सब दिन के फल पूरे निकले लेकिन 5 दिन के फल कम निकले। राम ने कहा, इसका मतलब लक्ष्मण तुमने 5 दिन फल खाए। कहा, नहीं भैया, हमने 5 दिन भी फल नहीं खाए। कहा, कम क्यों है 5 दिन के। कहा, मैंने हिसाब बनाकर रखा है। कहा, कैसे। कहा, सुनो, पहले फल उस दिन के कम है जब बन को भैया गमन हुआ, जब अपन का भैया गमन हुआ। अरे दूजे पल उस दिन के कम है जब भाई भरत का मिलन हुआ। पहले दिन हम फल लेने कहां गए थे जब आप अयोध्या से वन की तरफ चले थे, सारी अयोध्या की प्रजा आपके पीछे पीछे चल दी थी, जहां राम तहां समय समाजू और बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े रो रहे थे, गायें भैंसे रोदन कर रही थी, तोते चिंघार रहे थे और आप भी सबको समझा रहे थे। याद करो भैया वो दिन, आप पूरी अयोध्या की प्रजा से कह रहे थे, अरे प्रजाजनों ये मत समझो कि तुमको ही दुख हो रहा है राम से अलग होने पर, राम को भी तुमसे अलग होने पर बहुत दुख हो रहा है, और राम का तो आज सब कुछ छूट रहा है। क्या हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम वनवासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम वनवासी हो गए।
भैया छूटी भैया छूटे छूट गया मेरा देश रे। छैयार छूटी माता पिता की छैयार छूटी माता पिता माता पिता की छैयार छूटी छूट गया मेरा देश 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 देश। हम तो चले बनवास हम बनवासी हो गए छूटा अपना देश हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास हम बनवासी हो गए छूटा अपना देश हम बनवासी हो गए। ओ रामा हो ओ रामा हो। भैया पहले दिन ना मैं फल लेने के लिए गया ना उनका बंटवारा किया गया ना आपने खाए ना हमने खाए। दूसरे दिन जब ये समाचार मिला कि पिताश्री की मृत्यु हो गई है भरत भैया जब मिलने गए उस दिन भी पूरे दिन दुख में भरे हुए थे हम फल लेने के लिए नहीं गए और ना आपने खाए ना हमने खाए। दीजे फल उस दिन के कम है जब मात सिया का हरण हुआ चौथे फल उस दिन के कम है जब युद्ध में मेरा मरण हुआ। तीसरे दिन फल आ चुके थे बंटवारा नहीं हुआ था माता सीता का हरण हुआ चौथे दिन मैं युद्ध भूमि में मूर्छित था फल लेने नहीं गया बंटवारा नहीं हुआ। पांचवें दिन अयोध्या आने की खुशी विभीषण का राज तिलक मैया की अग्नि परीक्षा उस दिन भी फल लेने नहीं गया बंटवारा नहीं किया गया। मैंने 14 वर्षों में किसी भी दिन फलों का ग्रहण नहीं किया। सुनते सुनते प्रभु राम विचलित हो जाते हैं। वाह रे लक्ष्मण मेरे भाई वाह रे तेरा त्याग। ये तो आज गुरु महाराज जी ने हमको बताया आज अत्रि मुनि तब पता लगा तू 14 वर्षों तक भूखा रहा और कभी भी तूने जानकारी भी हमें नहीं दी। जानता है क्यों? क्योंकि तू छोटा था बड़ों के आगे कभी कुछ बोलना पसंद नहीं करता था सब कुछ सहन करता गया लेकिन बड़ों के आगे अपनी जिभ्या नहीं खोली। लेकिन लक्ष्मण अब ऐसा नहीं होगा अब इसका उल्टा होगा। आगे जब मैं द्वापर युग में जन्म लूंगा तो तुझको बड़ा बनाऊंगा मैं छोटा बनूंगा और खूब तेरी सेवा करूंगा जितनी तूने की है। अरे सुन ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्या
आगे जब द्वापर युग आई है। आगे जब द्वापर युग आई है लक्ष्मण, राम जगत मां विष्णु जगत मां कृष्ण कहाई है। आगे जब द्वापर युग आई है और राम जगत मां कृष्ण कहाई है, तुम हुई हो देखो बलरामा, तुम हुई हो देखो बलरामा, मैं बनी हूँ छोटो घनश्यामा। भारत तुम बनी हो देखो घनश्यामा बलरामा, और मैं बनी हूँ छोटो घनश्यामा। ए महावीरा कस के सुनने वाले श्रोता बंधुओं, इतना कहने ना भरियाए, इतना कहने ना भरियाए, द्वापर मां द्वापर मां बलराम कहाए। रामावतार का लघु भ्राता इस बार बड़ा बनकर आया, इसलिए न जग में राम रहा बलराम जगत में कहलाया। सातवां गर्भ आ गया और ये अफवाह फैला दी गई कि देवकी का सातवां गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन हुआ क्या था, आकर्षण शक्ति के द्वारा देवताओं ने देवकी के गर्भ को खींचकर भैया गोकुल में बाबा नंद की पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। इसीलिए आकर्षण शक्ति के द्वारा देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। इसीलिए हमारे बलराम जी का एक नाम लोग संकर्षण के नाम से भी पुकारते हैं। बोलिए संकर्षण भगवान की ये हो। अब क्या आठवें का नंबर आ गया, कल्स ने और कड़ा पहरा करवा दिया, पहरेदारों को सचेत कर दिया है, जिस समय देवकी की आठवीं संतान पैदा हो फौरन ही हमको सूचना दी जाए, क्योंकि वो संतान नहीं होगी, मेरी मौत होगी, मेरा काल होगा। इधर तो कड़ा पहरा आरंभ हो गया और उधर श्रोताओं धीरे धीरे जानते कौन सा समय आ गया, भादों का महीना, घोर अंधेरी रात, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, रात के 12 बजने वाले हैं, बिजली का कौंधा बार बार चमक रहा है, बादल गरज रहे हैं और माता देवकी एक सपना देख रही। क्या सपने में कोई छोटा सा बालक आया और कहता है, ए माता देवकी जानती है मैं कौन हूं? सिर हिलाया, नहीं बेटा नहीं पता। का बताऊं मैं कौन हूं? का बताओ, का देख, मैं नामे ना हूं, हामे हां हूं, जो मुझे मानते हैं मैं उनके लिए हूं, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं हूं, विश्वास में हूं अविश्वास में नहीं हूं, श्रद्धा में हूं अश्रद्धा में नहीं हूं, अब तो समझ गई मैं कौन हूं। माता ने कहा, बेटा मैं मतमंद बूढ़ गंवार, अरे ये इतना कठिन परिचय मैं नहीं समझ पाई, कोई साधारण सा परिचय दो, तुम कौन हो? का बताऊं मैया मैं कौन हूं? तो सुनो, भगतों के हृदय की मैं अरे झनकार हो रहा हूं,
झनकार हो रहा हूँ। ए भैया भक्तों के रहते ही मैं झनकार हो रहा हूँ। ए राजवीर भैया, आज हमारी रिकॉर्डिंग में हमारे परम स्नेही भैया राजवीर भी पधारे हुए हैं, क्योंकि हमारे बाद महावीरा कैसेट के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग होने जा रही है। और इनको आप सभी जानते होंगे, हमारे भैया राजवीर जी, इन्होंने बड़ी तपस्या की है, कई वर्षों तक इन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, और आज बड़ा सौभाग्य का समय है, हमारी रिकॉर्डिंग के बाद इनकी रिकॉर्डिंग होने जा रही है। भक्तों के हृदय की मैं झनकार हो रहा हूँ, जो है मेरे मैं उनका, जो है मेरे मैं उनका आधार हो रहा हूँ। सृष्टि में, सृष्टि में मैं हूं सृष्टा और तृप्ति में मैं हूं तृप्ता। सृष्टि में मैं हूं सृष्टा, तृप्ति में मैं हूं तृप्ता। सबसे मिलकर भैया रूपलाल, सबसे मिलकर एक में, सबसे मिलकर एक में आधार हो रहा हूँ। भैया अब तो समझ गई मैं कौन हूं। हाय बेटा, पहले तो कुछ समझ में आया भी था, इस बार तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। अरे मैं तुझसे बार बार कह रही हूं, तू मेरी गोद में आ रहा है, है? ए, सीधा साधा परिचय बता, मैं ज्यादा नहीं जान पाती, सीधा बता तू कौन है, मेरे पास क्यों आया। अच्छा लो माँ, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल सीधा साधा परिचय दे रहा हूं, मैं कौन हूं। हाँ बताओ, क्या सुनो, सुनो मैया। मैं क्या हूं फिर, अरे बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं। बतलाता हूं मैं आज बांसुरी वाला हूं। अरे मैं क्या हूं फिर, बतलाता हूं मैं आज बांसुरी वाला हूं। अरे इस कृष्ण रैन का फूल चंद्र, इस नभ मंडल का वाला हूं।
बात जोती थी मैं उन आंखों का तारा हूँ। और हे काराग्रह की तपस्वनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। ए मैया मैं बांसुरी वाला हूँ, मैं नंदलाला हूँ, गोपी हूँ, ग्वाला हूँ, जो मेरी भावनाओं का इंतजार कर रहे थे उनके लिए मैं प्यारा हूं। ए मैया अब साफ साफ सुन ले कि मैं तेरा आठवां पुत्र बनकर प्रकट हो रहा हूं। श्रोताओ परमात्मा कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो प्राकट्य होता है, किसी के स्वरूप में आकर के प्रकट होता है। ए मैया मैं आ रहा हूं, प्रकट हो रहा हूं, तू मेरी माँ होगी, मैं तेरा पुत्र हूं। और श्रोताओ क्या हुआ, जब यश देवकी मैया ने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा, इस प्रकार तो हो गया। अरे वो सुख स्वप्न अनूप आंख खुली तो गोद में आ बालक का रूप। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज माता देवकी ने जिसमें आंखें खोली तो क्या देखा, उनकी गोद में एक सुंदर बालक के रोने की आवाज आ रही है, रोने की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से हमने महावीरा कैसेट के माध्यम से आज आपको कृष्ण जन्म की कथा छोटे रूप में सुनाई, क्योंकि अब YouTube का युग है तो अब उतना समय तक कथा नहीं हो पाती है। आपको विस्तार से कथा श्रवण करनी है तो कभी जब हमारी आमने सामने आपकी मुलाकात होगी तो हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। कभी भी आपको हमारी कथा, हमारी भागवत, हमारी राम कथा अपने घर में करवानी हो, अपने गांव में करवानी हो, किसी यज्ञ में बुलवाना हो तो हमारा मोबाइल नंबर नोट करें, 9651 51 42 01। और हर कैसेट में हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर संपर्क करके 2-3 महीने पहले अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और हमारी सेवा अपने घर में ले सकते हैं। तो आइए आपको धीरे धीरे कथा के अंतिम समय की तरफ ले चलें। उससे पहले देखिए भगवान कृष्ण के जन्म का महोत्सव मनाया जा रहा है मथुरा में। आज मथुरा गोकुल नंद गांव बरसाना, भगवान के भक्तों में देवताओं में बड़ी खुशी मनाई जा रही। क्या तालियां बजाइए, अगर आप सुन रहे हैं जहां भी हमारे साथ आप भी गाइए, खुशियां मनाइए, नाचिए कूदिए, जय हो, नाचिए कूदिए, खुशियां मनाइए। क्या अरे जन्म लियो ब्रज में, ये भैया राजेश, ये अरे जन्म लियो ब्रज में, कुंवर कन्हैया जन्म लियो ब्रज में, जन्म कन्हैया जन्म लियो ब्रज में, कुमार कन्हैया जन्म लियो ब्रज में, कुमार कन्हैया जय हो। नाचो भैया नाचो, तालियां बजाओ, याद रखो भगवान कृष्ण और परमात्मा की खुशी में जो नाचता है उसको 84 लाख चक्रों में नहीं नाचना पड़ता, जो खुशी मना
आता है उसके यहाँ एक बरस तक खुशियां रहती है। खुशी में जन्म लेने की खुशी में हमारे रूपलाल भैया आप भी बड़ा खुश हो, देखो कैसे थिरकिट मार रहे हो। भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में हमारे आर्गन मास्टर राजेश भैया देखो कैसी उंगलियां चला रहे हैं। जन्म लियो ब्रज में कुंवर कन्हैया, जन्म लियो ब्रज में कुंवर कन्हैया, जन्म लियो ब्रज में कुंवर कन्हैया। अंत में हाँ सुताओ चलते चलते अंतिम लाइन, फिर अपनी वाणी को विराम देंगे और अगली कथा नंद महोत्सव में आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी महावीर केसर के द्वारा।
मिश्रा भी कर जोड़ कहा तो है, मिश्रा भी कर जोड़ कहा तो है, नवीन भी कर जोड़ कहा तो है, नवीन भी कर जोड़ कहा तो है। हमारी सबकी हमारी लगाया प्रभु देख पार नैया। जन्म लियो जन्म लियो जन्म लियो जन्म लियो ब्रज में कुंवर कन्हैया, जन्म लियो ब्रज में कुंवर कन्हैया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।